ठीक है। हेलो, शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, आज 26 मार्च है और 21 मार्च को आप सबने देखा कैसे रात को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर में घुस के केंद्र सरकार की ईडी उनको गिरफ्तार करके ले गई और तब से वे ईडी की हिरासत में हैं। कोई साधारण आदमी भी इस तरीके से गिरफ्तार हो जाए तो उसकी चिंताएं रहती हैं, पत्नी का क्या है, बच्चों का क्या है, कौन वकील किया जाए, कैसे बेल ली जाए, क्या बहस हो रही है। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी मिट्टी के बने हैं कि वहाँ ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। और एक विषय उनके दिल के हमेशा बड़ा करीब रहा, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, कि दिल्ली के अस्पतालों में समय पे इलाज मिले, गरीब को भी मिले, मिडिल क्लास को भी मिले, मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त दवा मिले, मुफ्त टेस्ट मिले। मुझे याद है कि जब मुख्यमंत्री जी बाहर थे तो मुझे कहते थे कि तू कब जाएगा अस्पताल, कब जाएगा, तो मैं बोलूँगा सर कल जाऊँगा। कौन से हॉस्पिटल जाएगा, मैं कहूँ सर इतने में जाऊँगा। अच्छा ठीक है। तो मैं कई बार फेसबुक लाइव और ट्विटर पे लाइव दिखता था, कई बार टीवी की तरफ से लाइव दिखता था, तो कहते थे अरे तू सीधा ही स्टोर में क्यों चला जाता है, तू पहले खिड़की पे जाया कर, जहाँ पे दवा मिलती है उस खिड़की पे जाया कर, वहाँ पे उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि तू मंत्री है, वहाँ लोगों का पर्चा ले लेकर पूछा कर कि इस पर्चे के अंदर 3 दवाइयाँ हैं तो कितनी मिली, देखा कर कि वही दवाई है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दवाई कोई और लिखी है वो दूसरी मिली, और फिर लिखा कर कि कितनी दवाइयाँ मिल रही हैं। पहले मेरे को आइडिया नहीं था, मैं पहले ही MS के पास जाके पूछता था कि भाई EDL लिस्ट कितनी है, असेंशियल ड्रग लिस्ट उसमें कितनी मौजूद हैं। कहते नहीं नहीं इनके चक्कर में मत पड़, तू बाबू मत बन, पहले खिड़की पर जाया कर। और देखते थे हर वीडियो को देख के, कहते थे कि यहाँ पे तो ये दवाई नहीं थी तो क्या किया, फिर मैं बताता था कि ऐसे किया ऐसे किया। और मोहल्ला क्लिनिक्स के विषय में कई बार लोग डायरेक्ट शिकायत कर देते थे, तो पूछते थे कि ये मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे है, इसमें तो इतने दिनों से डॉक्टर नहीं है, क्यों नहीं है, इतने दिनों से है तो अफसर ने क्या कार्रवाई की, तुमने क्या किया, एक एक चीज का ध्यान रखते थे। और पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में है तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि CM साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयां उपलब्ध नहीं, कुछ अस्पतालों में मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। और उन्हें लगता है कि
उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जेल के अंदर हों बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ लेने जाए उसे दवा मिले, और अगर उस गरीब आदमी को दवा नहीं मिलेगी, एक बड़ी साधारण सी बात है दोस्तों कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर अस्पताल में जाए दवा ना मिले तो वो खरीद सकता है, मगर दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जो दवाइयों के लिए पूरी तरीके से सरकारी अस्पतालों में आश्रित हैं, और कुछ लोगों की तो दवाइयाँ ऐसी हैं जो जब तक जिएंगे तब तक उनकी दवा चलेगी। किडनी की जिनको बीमारियां हैं, जब तक जिएंगे तब तक डायलिसिस होगा, जब तक जिएंगे दवा चलेगी। ब्लड प्रेशर की दवा है, डायबिटीज़ की दवा है, इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी दवा के लिए वो लोग पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के अस्पतालों पे, मोहल्ला क्लिनिकों में और हमारी डिस्पेंसरियों में जो मुफ्त दवा मिलती है उस पर आश्रित है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगातार इंटरवल्स के बाद टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है, और वो टेस्ट भी जो है उसके लिए वो हमारे मोहल्ला क्लिनिकों पे आश्रित हैं। और इस तरीके की सूचना मुख्यमंत्री जी को मिली है कि कई मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते थे उसके अंदर समस्या आ रही है, तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयाँ और सारे टेस्ट मुफ्त मिलें और उनकी उपलब्धता कम ना हो। मैं समझता हूँ कि उनका निर्देश तो हमारे लिए भगवान की आज्ञा जैसा है, और इसके ऊपर युद्ध स्तर पे मेरा विभाग और मैं मिलके कार्रवाई करेंगे। और मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से सभी दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका मुख्यमंत्री चाहे जेल में है मगर सोच वो सिर्फ आपके लिए रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए मुख्यमंत्री सोच रहे हैं, और उनकी चिंता यही है कि उनके जाने के बाद पीछे कोई व्यवस्था खराब ना हो। और हम सब लोग जो उनके सिपाही हैं, हम सब लोग 24 घंटे काम करेंगे मगर कोई दिक्कत जो है दिल्ली वालों को नहीं होने देंगे, ऐसी मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और हमारे लिए ये भगवान की आज्ञा जैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद।